भारत माता की जय हो। सर्व देव मई श्री गौ माता की जय हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिववीचिनुतं शरण्यं भ्रत्यार्तिहं प्रणति बालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरानवनीरदाभापीताम्बरादरुणवेम्बफलाधरुष्ठा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूरामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुक्षिमूलं गुरुर्कृपा अज्ञाने तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीराधे मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार शिव शिभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार जय जय श्री राधा जय जय माखन चो जय दे माखन चो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री राम पवित्र करने के लिए दो बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात ठाकुर जी की पावन पवित्र कथा को हम आप सभी श्रवण करेंगे। कृष्ण का नाम है रसो वैसा, वे रस से भरे हुए हैं, रस से परिपूर्ण हैं। तो आइए ऐसे रस से भरे हुए श्री कृष्ण के नामों का हम आप सभी स्मरण करते हैं। जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल
जय राधा रमण हरि बोल।
सुंदर जी की कृपा से प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार बार वंदन। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान इस तृतीय दिवस तीसरे दिन को हम आप सभी प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान बड़सर से हमारे बड़े ही स्नेही हमारे परम प्रिय हमारे काली कमली वाले बाबा आज हमारे बीच में धारे हृदय से बार बार नम्र निवेदन।
बड़ा ही स्नेह है हमारा बाबा से और करीब 17-18 वर्षों से बाबा के आश्रम में कई बार भागवत कथा के आयोजन हुए और सिर्फ भागवत कथा ही नहीं राम कथा शिव पुराण कई बार 7 दिन 9 दिन 11 दिन बाबा के यहाँ पर हम रहे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि घर से कहीं बाहर है। एकदम पारिवारिक स्नेह पारिवारिक प्रेम व्यवस्थाएं न होने के बाद भी बाबा हमारे लिए सब सुविधा वहाँ अपने आश्रम में जुटाते। रोड से काफी ऊंचाई पर है, खैर अब तो गाड़ी पहुंच जाती है, पहली बार जब गए थे तो गाड़ी नहीं जाती थी, रास्ता भी खराब हो जाता था तो कथा के समय बाबा स्वयं रास्ता बनाते। बड़ा ही संघर्ष में जीवन, बाबा की कृपा हमारे ऊपर बरसती रही और ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ऐसे ही बरसती रहे, ऐसे ही ये मिलना जुलना हमेशा होता रहे। भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान आप सभी भक्त प्रेमी बंधु बांधव भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बने इस व्यास पीठ से सभी को बार बार नमन बार बार वंदन। चित सार सिंधु युगल सरकार राधा कृष्ण जो श्रीमद् भागवत स्वरूप में हमारे सामने विराजित है, आइए प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भागवती गंगा में प्रवेश करते हैं, गोता लगाते हैं। एतस्मात् परम किंचिन् मनः शुद्धये न विद्यते जन्म जन्मान्तरे पुण्यम् तदा भागवतम लभे। एक वो गंगा है जिसमें स्नान करने से तन की शुद्धि होती है और एक ये गंगा है जिसमें स्नान करने से हमारे मन की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है। किस किस ने गंगा जी में स्नान किया है जरा हाथ खड़े करो। लगभग सभी ने किया है ना? अच्छा गंगा जी में स्नान क्यों किया जाता है बताओ? स्नान तो किया है पर क्यों किया है? देखो बच्चे उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब कितना ध्यान से कथा को सुन रहे हैं। मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि मैं सिर्फ सुनाऊंगी ही नहीं, आपसे मुझे उत्तर भी चाहिए, इससे मुझे पता भी लगता रहे कि भाई सुन रहे हैं। गंगा में स्नान करते हैं जिससे कि हमारे पाप धुल जाएं, है ना? क्योंकि गंगा का एक नाम है पाप नाशिनी, वे पापों को नष्ट करती है। अच्छा गंगा पापों को तो धोती है, आपने गंगा में स्नान किया, हर हर गंगे हर हर गंगे, दोनों हाथ ऊपर किए डुबकी लगाई तो गंगा ने पाप हर लिए, है ना? लेकिन गंगा से निकलकर जैसे अपने घर आए तो पाप करना फिर चालू कर दिया। तो गंगा जी आकर हाथ पकड़ती हैं, क्या भैया पाप मत करो, अभी अभी तो नहा कर आए हो, क्यों करते हो ऐसा? कहती है, टोकती है, रोकती है, नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि गंगा में पापों को धोने की सामर्थ्य तो है पर पाप करने वाली आदत को धोने की सामर्थ्य नहीं है। और हम लोगों की तो आदत है पाप करना। गंगा पाप धो सकती है, प्रवृत्ति नहीं धो सकती। वे पापों को धोने की सामर्थ्य रखती है लेकिन आदत को धोने की सामर्थ्य नहीं रखती। तो यदि इस प्रवृत्ति को धुलना है तो उसके लिए उस गंगा में नहीं
इस भागवती गंगा में स्नान कीजिए। ये सिर्फ पाप ही नहीं, पाप करने वाली आदत को भी धो देती है। अब आप लोग को कि कैसे धोती है भाई, वहां तो जल दिखाई पड़ता है, पानी दिखाई पड़ता है, चलो स्नान किया पवित्र हो गया, यहाँ तो कोई पानी नहीं है, फिर कैसे धुलेगा, फिर कैसे स्नान होगा भैया। वो गंगा स्नान करने जाते हो तो डूबने का वहां भय रहता है, गंगा जी गहरी है, कहीं पांव रिपट गया तो गए गंगा में, डूबने का भय है, डर लगता है कहीं डूब ना जाए, चैन पकड़कर स्नान करते हैं। बहुत से लोग गंगा में प्रवेश ही नहीं करते, पौड़ियों पर बैठकर ही नहा लेते लोटे से, भीतर नहीं जाएंगे भैया, डर लगता है, डूब गए तो गए। उस गंगा में डूबने का भय है, इस गंगा में डूबने का भय नहीं है। यहाँ आओगे, स्नान करोगे, गोता लगाओगे और इस कृष्ण नाम रस में यदि डूब भी जाओगे तो वहां डूबने के बाद मरना पड़ता है, परंतु यहाँ डूबने पर व्यक्ति तर जाता है, जीते जी ही उसका उद्धार हो जाता है। बोलो भागवत महापुराण। यहाँ डूबना माने तरना है, मरने की आवश्यकता नहीं, जीते जी व्यक्ति पार हो जाता है। ये वो गंगा है। आज कौन सा दिन है कथा का? तीसरा। और वार कौन सा है? शनिवार है ना, शनिवार ही है ना। हाँ, मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए आप याद दिलाते रहो, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए बीच में। शनिवार। और कथा शुरू किस दिन से हुई? गुरुवार से, है ना, तो तीसरा दिन हो गया। रोज कथा सुन रहे हैं, गुरुवार को सुनी, शुक्रवार को सुनी, आज शनिवार को सुनकर जाएंगे। तो आज के दिन कथा सुनी, जीवन में जो शनिवार निकल गए हैं, उन शनिवारों में यदि हमने कोई पाप किया होगा, आज के दिन कथा सुनने से नष्ट हो जाएगा, ये सामर्थ्य है भागवत। फिर यदि घर जाकर पाप करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि पाप करना तो हमारी आदत है, तो बार बार कथा के वचन याद आएंगे, भैया ये गलत काम है, आज से इसको मत कर, संकल्प लो ये अच्छा काम है, आज से हम ये काम करें। बार बार कथा के वचन याद आएंगे तो सिर्फ पाप ही नहीं, पाप करने वाली प्रवृत्ति भी धुल जाएगी, प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। उस गंगा से भी ज्यादा महत्ता इस भागवती गंगा की है, क्योंकि उस गंगा में स्नान करने के लिए व्यक्ति को गंगा के पास जाना पड़ता है। इस गंगा में स्नान करने के लिए गंगा के पास नहीं, गंगा खुद बहुत चल करके आपके गांव में, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके घर आंगन में आती है और बहती है। आप स्नान कीजिए और अपने मन की शुद्धि कीजिए। बोलो भागवत महापुराण। ये गंगा की सामर्थ्य। तस्मात् परम किंचित् मनः शुद्धैर्विद्यते। इसलिए आज नैमिषारण्य की भूमि में श्री सूत जी महाराज शौनकादिकेश्वर को यही भागवती गंगा, यही भागवती कथा श्रवण करता है, मन की शुद्धि का उपाय। कल सुन रहे थे आप सभी, छह प्रश्न किए हैं शौनकादिकेश्वर ने, मुख्यतः छह प्रश्न हैं, जिन छह प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत की कथा सुनाई है। मैंने एक बार निवेदन किया आपसे, संत कभी भी अपने भले की बात नहीं करता, संत जब भी कहेगा वो दूसरों के बारे में कहेगा, दूसरों की भलाई की बात करेगा। संत जब भी कहेगा वो समाज के कल्याण की बात करेगा। शौनकादिक ऋषि कहते हैं,
कि प्रायान पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या युपद्रुता। कोई व्यक्ति बुद्धिहीन हो लेकिन भाग्यवान हो तो वो अपने भाग्य के बल पर जीवन का निर्वाह कर सकता है। कोई व्यक्ति भाग्यहीन हो लेकिन बुद्धिमान हो तो वो अपने बुद्धि के बल पर भी जीवन का निर्वाह कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाए भाग्यहीन भी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन का निर्वाह कैसे करे? ऐसे व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा? कैसे उसका कल्याण होगा? प्रश्न किया है ऋषियों ने, लेकिन वे प्रश्न सिर्फ उनके कल्याण के लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए, हम सब के कल्याण के लिए है। हम सब के उद्धार की बात करते हैं ऋषि। संत के लक्षण है। श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, आप क्यों चिंता करते हो? मैं ऐसी दिव्य कथा सुनाऊंगा, आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तब भागवत कथा श्रवण कराते। प्रश्न किया है शौनकादि ऋषियों ने कि व्यास जी ने ये भागवत लिखी क्यों? क्या आवश्यकता थी भागवत को लिखने की? अरे सत्र पुराणों को जिन्होंने लिखा, महाभारत जैसे दुर्लभ ग्रंथ को लिख दिया, एक और पुराण लिखा, उसकी आवश्यकता क्या थी? क्यों लिखी भागवत? तब सूत्री शौनकादि ऋषियों को वेद व्यास जी के द्वारा जो भागवत रचना का प्रसंग है वह भी श्रवण कराता है। एक बार की बात, सत्र पुराणों को लिखने वाले वेद व्यास, मन को शांति नहीं है, मन बड़ा अशांत है, दुखित है। सरस्वती नदी के तट पर खिन्न चित मन से, उदास मन से बैठे हैं वेद व्यास जी। अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करते हैं, रे व्यास तू रिक्त है, रे व्यास तू खाली है, समाज के लिए तूने कुछ किया ही नहीं। ध्यान देना, जब भी कभी दुख आता है, कोई पीड़ा आती है, तो कभी भी पड़ोसियों के घर जाकर दुखड़ा मत रोना। ये जगत की रीत है, झूठे के आंसू लगाकर आपकी दुख भरी बातें सुनेंगे और फिर बाजार में जाकर हंस हंस कर दूसरों को सुनाएंगे। ये रीत है जगत की। और आप किसके पास अपना दुखड़ा लेकर के जा रहे हैं? दूर से देखने में व्यक्ति सुखी लगता है, लेकिन जब पास जाकर देखोगे तो तुमसे बड़ा दुखिया वही है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। तुम जिसके पास अपने अश्रु लेकर जा रहे हो ना, उसका दामन पहले से ही भीगा है, वो अपने नहीं पहुंच पा रहा है, तुम्हारे कहां से पहुंचेगा? तो कभी भी पड़ोसों के घर जाकर दुखड़ा मत रो। अगर रोना ही है, ठाकुर जी के चरणों में जाकर रो, भगवान के मंदिर में जाकर रो, अपने गुरुदेव के पास में जाकर दुखड़ा सुनाओ, किसी संत के चरणों में जाकर अपनी बातें बताओ, पर कभी समाज के बीच में नहीं। कौन दुख दूर कर सकता है? समाज? ये दुनिया दुख दूर कर सकती है क्या? बताओ, अगर दुनिया दुख दूर कर ही देती तो हर व्यक्ति सुखी नहीं हो जाता? वो अपना नहीं कर पा रहा, तुम्हारा कहां से करेगा? और इस संसार में यदि कोई दुख दूर करने वाला है भी, कौन दूर कर सकता है? बताओ, एक ईश्वर ही है।
जो कोई दुख दूर कर सकता है। बाकी परमात्मा के सिवा यहाँ कौन दुख दूर करेगा। दूसरी बात, अगर दुख दूर भी नहीं करेगा तो ईश्वर इतना तो जरूर करेगा कि तुम्हें उस दुख की घड़ी से कैसे निकलना है वो शक्ति तुम्हें प्रदान करेगा। उस दुख के समय में भी आप हंसते हुए कैसे अपनी नैया को पार लगाते हैं वो शक्ति आपको देगा। इसलिए रोना है ईश्वर के चरणों में जाइए, अगर दुखड़ा कहना भी है तो भगवान के सामने जाकर कहिए। और ध्यान देना, मैं तो एक ही बात जानती हूँ कि अगर आपके ऊपर कभी भी संकट आता है, कभी भी कष्ट आता है, तो बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर पंक्ति है, एकांत कमरे में बैठ जाओ या भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाओ, अपने घर की पूजा घर में जाकर बैठ जाओ और फिर बस इन पंक्तियों का गान कर ले रहा। ये भाव प्रभु के सामने समर्पित कर देना, परमात्मा अपने आप दुख दूर कर दे। और क्या कहना है भगवान से, ब्रज गे नंद लाला राधा जी के सांवरिया, और सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हे ठाकुर जी, हे पर ब्रह्म, हे परमात्मा, तेरे नाम लेने से ये सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए आज हम सिर्फ अपना दुखड़ा तेरे सामने कि ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। Oh,
सब तेरा नाम लिया सका हुआ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और इधर हमारे बुजुर्ग बैठे तो इस साइड आ सकते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्स भगवान की जय, जय श्री राधे। कहने का तात्पर्य है अपना दुख, अपना कष्ट, अपनी पीड़ा किसी को नहीं बतानी। अगर बताना भी है तो भगवान को बताओ, गुरु बताओ, किसी संत को बताओ। आज वेद व्यास जी दुखी हैं, परेशान हैं, परंतु वे किसी दूसरे से अपना दुखड़ा नहीं रोते, अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करते हैं, मैं दुखी क्यों हूं? सत्रह पुराणों को लिखा, महाभारत को लिखा, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, क्यों? और जैसे ही अंतरात्मा से प्रश्न किया तो अंतरात्मा से आवाज आई, संत दर्शन की प्रतीक्षा करो, संत आएंगे और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वेद व्यास जी के नेत्र खुले तो क्या देखा, सामने नारद जी प्रकट हो गए। व्यास कुछ बोलते उससे पहले नारद बोल पड़े कि पाराशर महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितोषति शरीर आत्मा मानसे। हे परासानंदन वेद व्यास, मैं जानता हूं आप दुखी क्यों हैं। व्यास जी कहते हैं मैंने सत्रह पुराण लिखे, महाभारत लिखा, फिर भी भीतर से एक गीत ही गुंजायमान होता है, रे व्यास तू रिक्त है, रे व्यास तू खाली है। नारद जी कहते हैं आपने सब कुछ तो लिखा, सत्य पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, महाभारत लिखी,
चार पुरुषार्थों का खूब वर्णन किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन आपने प्रेम को तो छोड़ ही दिया, पांचवा पुरुषार्थ भी तो है प्रेम। प्रेम के बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं, तो प्रेमी लोग कहां जाएंगे, भक्त लोग कहां जाएंगे? प्रेमी आपसे संतुष्ट नहीं है, इसलिए आप दुखी हैं। आप एक और पुराण लिखिए, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ साथ प्रेम का भी वर्णन कीजिए। प्रेमियों की गाथा, भक्तों का चित्र, आपके मन को शांति मिलेगी। तब वेदव्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ साथ प्रेम का भी वर्णन किया। माने भगवान के भक्तों का चरित्र लिखा, ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, अम्बरीश की कथा, गोपियों का प्रसंग, रासलीला, प्रेम का भी वर्णन किया। तब वेदव्यास जी के मन को शांति मिली। सर्वप्रथम ये भागवत अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाई। सुखदेव ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने, कौन थे वो राजा परीक्षित? क्यों सुनी उन्होंने, क्या आवश्यकता थी? तब श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को परीक्षित के जन्म कर्म का प्रसंग श्रवण कराते हैं। कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीर गतिं गतेषु व्रकोदया विद्गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब जब महाभारत का संग्राम हुआ, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। किसी से पूछा, ये महाभारत का युद्ध क्या है? किसी ने कहा, लड़ाई तो ज्यादा बड़ी नहीं थी, उसको बड़ा बना दिया गया। महाभारत का संग्राम, लड़ाई तो भाई भाई की थी, पारिवारिक थी, घर में थी, और उसको इतना बड़ा रूप दे दिया गया। महाभारत का संग्राम, इतना बड़ा युद्ध बना दिया, वो तो भाई भाई की लड़ाई। अरे भैया, ये युद्ध भाई भाई का नहीं था, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में था। ये कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। धर्म रूपी थे पांडव और अधर्म रूपी थे कौरव, दुर्योधन आदि। क्योंकि यदि ये लड़ाई सिर्फ पारिवारिक होती, यदि ये युद्ध सिर्फ भाई भाई का होता, तो इस युद्ध में कभी मेरे कृष्ण ना जाते। ये युद्ध सिर्फ भाई भाई का नहीं था, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को उस युद्ध की भूमि में जाना पड़ा, युद्ध में उतरना पड़ा, धर्म और अधर्म। एक वकील जी थे ना, अपनी वकालत पर उनको बड़ा घमंड था, बड़ा अहंकार था। तो जब भी कोई उन्हें पास केस लेकर के आता था, तो वकील जी कहते, भैया चिंता मत करो, जीतना मुझे ही है, मैं सब जानता हूँ। तो एक बार एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि वकील साहब, आप सब जानते हैं, अध्यात्म के बारे में भी जानते हैं क्या? मेरा केस कुछ अलग है। धर्म धर्म के बारे में भी जानते हैं क्या? वकील जी बोले, हाँ बिल्कुल जानते हैं, आप प्रश्न करो, मैं उत्तर दे सकता हूँ। अच्छा तो बताइए कि महाभारत का युद्ध क्या था? तो वकील जी कहते, महाभारत का युद्ध? बोले, युद्ध कोई बड़ा थोड़ी था, प्रॉपर्टी का युद्ध था, संपत्ति का युद्ध था, प्रॉपर्टी का के था, उसको बेकार में इतना बड़ा बना दिया गया, लड़ाई प्रॉपर्टी के पीछे। बोले, रामायण का कुछ ज्ञान है? बोले हाँ। तो राम और रावण का युद्ध हुआ, वो क्या था? कहते, युद्ध तो कोई ज्यादा बड़ा था नहीं, वो किडनैपिंग का केस था।
बना दिया इतना बड़ा राम रावण युद्ध, इतनी सेना गई, बानर सेना गई, वहां रावण की सेना। किडनैपिंग का छोटा केस था पर उसको बड़ा आकार दे दिया। सीता हरा जानती नहीं है धर्म के बारे में, जानती नहीं है अध्यात्म के बारे में, बस बड़ा बड़ा बोल बोलना। महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, महाभारत की लड़ाई कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं थी, कोई भाई भाई की लड़ाई नहीं थी, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में था, अधर्म और धर्म बीच में था, इसलिए यहाँ मेरे गोविंद थे। पांडव धर्म का प्रतीक थे, इसलिए कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहां पर कृष्ण होते हैं, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहां पर जीत होती है। जहाँ अधर्म होता है वहां कृष्ण नहीं होते, और जहाँ परमात्मा नहीं होते वहां पर हार होती है। इसलिए कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। कितने पांडव थे? कितने थे? पांच। और कौरव कितने थे? दुर्योधन आदि 100 भाई थे। 100 लोग एक तरफ हो लड़ने वाले और 5 एक तरफ, तो लड़ाई तो बराबरी में होती है ना भाई, बराबर बराबर होना चाहिए। जहां कम लोग होंगे वहां तो हार नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी पांडव जीते, क्योंकि जहां धर्म होता है वहां लोगों का समूह भी कम होता है। धर्म पर चलने वाले व्यक्ति की लोग सहायता न करते, धर्म पर चलने वाले व्यक्ति को लोग इग्नोर करते हैं, उसका सपोर्ट नहीं करते। लेकिन धर्म पर चलने वाला व्यक्ति भले ही अकेला हो और उसके साथ ईश्वर होता है, इसलिए उसकी जीत होती है। अधर्म वाले व्यक्ति का समुदाय भले ही बड़ा हो, उसके साथ लोग भले ही ज्यादा हो, उसका सपोर्ट भले ही ज्यादा हो, लेकिन उसके साथ परमात्मा नहीं होते, इसलिए उसकी हार निश्चित है। कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई, था महाभारत का युद्ध। संग्राम हुआ, जाने लगे हैं कृष्ण द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान करने लगे। तो जैसे ही जाने लगे, कुंती बुआ दौड़ी दौड़ी आई और प्रभु के चरणों में वंदन किया, नमन किया, भगवान को प्रणाम किया। कृष्ण जब जाते हैं, पांडवों से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहूं, क्या चाहिए मांगो। होता है ना, एक कर्तव्य होता है, घर कोई बड़ा बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए जाए, कहीं बाहर घूमने जाए, तो अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को कुछ दे कर जाता है। अच्छा, घर वापस भी आया ना तीर्थ करके, यात्रा करके, तो भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है, एक फर्ज होता है। हम तीर्थ घूम कर आ रहे हैं, घर में बच्चे हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। कृष्ण जा रहे हैं तो कर्तव्य है कि कुछ ना कुछ दे करके जाए। कृष्ण कहते हैं, जहाँ देने वाले कृष्ण हो, युधिष्ठिर जी महाराज मांगिए क्या चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, वो क्या मांगते। युधिष्ठिर कहते हैं, और कुछ नहीं केशव, देना चाहते हो तो बस यही आशीर्वाद दो कि ये धर्म मुझसे कभी ना छूटे, धर्म को हमेशा मैं धारण करके रखूं, बस दे दिया। अर्जुन की बारी, अर्जुन कहते हैं, कृष्ण और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ मिलता रहे, दे दिए। भीम की बारी आई, दादा कुछ मांगो। दादा भीम हंस गए और मुस्कुराते हुए बोले, क्या मांगू भाई, भीम को तो पेट भर भोजन मिलता रहे, और क्या चाहिए, और क्या मांगेंगे। नकुल सहदेव बारी आई, मांगो। नकुल सहदेव कहते हैं, प्रभु बस बड़े भाइयों की सेवा में लगे रहे, और क्या चाहिए। द्रौपदी से कहा, तुम भी कुछ मांगो। द्रौपदी कहती है, मैं अपने बच्चों पतियों की सेवा में संलग्न रहूंगी। अंतिम में कुंती बुआ है, कुंती बुआ का नंबर आया। तो जैसे ही कृष्ण पहुंचे, सबसे पहले कुंती बुआ ने भगवान को प्रणाम किया, नमन किया।
कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कि नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय ते पंकजांध्रे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं नमन करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। कुंती के चरित्र से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए। अब आप देखिए कि भगवान वहां देने के लिए खड़े हैं, तो कुंती मांग नहीं रही है। कुंती पहले उनको प्रणाम कर रही है, नमन कर रही है। कुंती ने अपनी स्तुति में कहीं भी मांगने की कोई बात नहीं कही। कुंती ने अपनी स्तुति में 18 बार कृष्ण को प्रणाम किया, सिर्फ नमन। मैं नमन करती हूँ, मैं वंदन करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपके अरों को प्रणाम करती हूँ, मैं आपकी सुंदर अलकावली को प्रणाम करती हूँ, मैं आपके नेत्रों को प्रणाम करती हूँ, मैं आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ। 18 बार नमन करती है और कृष्ण देने के लिए खड़े हैं। हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, मंदिर में प्रवेश होता है, नमन करने जाते हैं क्या? बताओ, करते नमन? कहाँ करते हैं? जैसे ही भीतर प्रवेश करते हैं माना चालू हो जाता है, है ना? गाड़ी दे दो, अगला दे दो, बाइक दे दो, मोटर कार, बेटा दे दो, बेटी दे दो, पोता दे दो, पोती, यही करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में नहीं मांगते, भीतर ही भीतर तो चलता है। नमन कहाँ होता है? नमन तो भूल जाते हैं। सबसे पहले जाकर ठाकुर को प्रणाम भी करना है, ये कहाँ याद रहता है? कुछ लोग मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, जैसे ही मंदिर में भीतर प्रवेश करेंगे, अब मंदिर में जा रहे तो चप्पल जूता तो बाहर ही रखकर जाते हैं, भीतर तो लेकर नहीं आते, और चप्पल जूता उतारना पड़ेगा। महंगी भी चप्पल जूता कोई पहन कर गया हो तो डर भी रहता है कहीं चोरी नहीं हो जाए। उतर आपके यहाँ हिमाचल में तो वैसे ऐसा कम होता है, हमारी तरफ कहीं कथा हो ना महाराज, यूपी में, बिहार में चले जाओ जहाँ बहुत भीड़ होती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चले जाओ, आपकी तो क्या हमारी चप्पल चली जाती है, हमारी भी नहीं मिलती। तो वे जब दर्शन करने जाएगा चप्पल उतारेगा, अब महंगी चप्पल चोरी ना हो जाए तो ऐसी जगह पर उतारेगा जहां दर्शन भी होता रहे और चप्पल दिखाई पड़ती है। ऐसे एंगल से उतारेगा कि चप्पल पर भी दृष्टि रहे। तो जैसे मंदिर में भीतर प्रवेश किया, सामने भगवान है, हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कर रहा है कि त्वमेव माता, और जैसे कहा त्वमेव माता, फिर निगाह चली गई चप्पलों की तरफ, चपिता त्वमेव, माता जी तो भगवान और पिताजी चप्पल है ना? हमारा प्रणाम तो ऐसा ही होता है। हम नमन ना करते हैं भगवान के मंदिर में जाकर, उस विश्वास से, उस श्रद्धा से, यहाँ मांगना नहीं है, यहाँ प्रभु तेरे लिए आए हैं, तुझसे कुछ लेने नहीं आए हैं, तूने जो दिया है उसका शुक्रिया अदा करने आए हैं। कभी सोचते हैं हम, कभी विचार करते हैं, रास्ता बताने वाला राहगीर, उसको भी हम धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। दिल का दौरा पड़ जाए, हॉस्पिटल जाए, तो जिस डॉक्टर ने हमारा इलाज किया है उसको भी हम बार बार थैंक यू बोलते हैं।
लेकिन जिस परमात्मा ने हमको ये जीवन दिया है, कभी उसको थैंक यू बोला है? कभी विचार किया कि आज मंदिर मांगने नहीं, आज मंदिर धन्यवाद करने जाएंगे, आज मंदिर कुछ लेने नहीं, आज मंदिर थैंक यू बोलने जाएंगे? आपने जो दिया बहुत दिया, जो है मैंने कल भी निवेदन किया था कि हमारे पास जो है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, नहीं है उसके बारे में चिंतन करते हुए हम जो है उस सुख से भी वंचित रह जाते हैं। ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं किया। ध्यान रखना परमात्मा आप जो मांगते हैं वो नहीं देता, भगवान आपके मांगने से नहीं देता, भगवान आपको वो देता है जो आपके हित में होता है, जो आपके लिए सही है वो देता है। क्या पता बेटा 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 मांगा और फिर भी उसने नहीं दिया तो हम उसको कोसना चालू कर देते हैं, नहीं दिया आपने, क्यों नहीं दिया? हो सकता है बेटा आगे चलकर कपूत होता, हो सकता है बेटा आगे चलकर दुख देता, इसलिए भगवान ने उस दुख से हमको बचा दिया। ईश्वर आपको वो देता है जो आपके हित में है, जो आपके लिए सही है, ठीक है, पर हमको तो मांगना है। अभी मांगा तो अभी चाहिए, नहीं दिया तो फिर उत्ती थोड़ी होती है। 31 करोड़ देवी देवता हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे सामने। हनुमान जी के मंदिर में गए, बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा दे दो, 1 महीना 40 दिन हनुमान जी की खूब अनंत चालीसा का पाठ किया, और जब 41वें दिन कुछ नहीं हुआ तो हम कहते चल देवता चेंज करते हैं, अब भोले बाबा के पास जाएंगे। श्रावण मास चल रहा है, हर सोमवार व्रत रखेंगे, पूरा सावन व्रत रखेंगे, बहुत से लोग करते हैं, पूरा सावन जल चढ़ाएंगे, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, अगर नौकरी नहीं लगी चलो चेंज करो, अब राम को मनाते हैं। कितनी जल्दी हम चेंज करते हैं, ये विश्वास, ये श्रद्धा है। मैंने निवेदन किया था आपको एक दिन, श्रद्धा यदि कम हो रही है तो वो श्रद्धा नहीं है, वो अंधश्रद्धा है। श्रद्धा कभी कम नहीं होती, श्रद्धा अगर होगी तो वो बढ़ेगी, कभी घटेगी नहीं। मांगना है, भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज कृष्ण कहते हैं बुआ जी हो गया नमन, अब मांग लीजिए, कुछ तो मांगिए। तब कुंती ने कितनी सुंदर बात कही, कुंती क्या कहती है कि विप्रह संतु नाशाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम पुनः भव विपदः संतु नाशाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। अगर आप देना ही चाहते हैं तो वो क्या दें? बोले संसार के पास में जितनी भी विपत्ति है, जितना भी दुख है, सबका दुख बटोर कर लाओ और मेरी खाली झोली में डाल, बस मुझे यही चाहिए। कितनी अचंभे की बात है, कौन चाहता है दुखी होना? कोई चाहता है? हम दिन और रात भगवान से चाह रहते हैं हम सुखी रहें, प्रसन्न रहें, दुख तो हमारे दरवाजे तक भी नहीं आए। लेकिन आज कुंती कहती है कि मुझे संसार का दुख ला करके दे दो, विपत्ति चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। क्यों मांगती है? कुंती कहती है कृष्ण विपत्ति रहती है तो कम से कम हमारी तुमसे स्मृति तो रहती है, अगर ये विपत्ति ना होगी, अगर ये संकट ना होगा, ये दुख ना होगा, तो सुख में तुम्हें कौन याद करता है, सब भूल जाते हैं,
सुख की दुनिया आई फिर कोई भंडारा नहीं करता, कोई भगवान के मंदिर नहीं जाता। थोड़ा सा दुख आने दीजिए फिर देखो मंदिर में लाइन लगती है। हम ये भी करेंगे, वो दान करेंगे, फलाना करेंगे, वहां जाएंगे, वो देंगे, और सुख आता है तो सब भूल जाते हैं। जैसे दुख में परमात्मा को याद किया जाता है, यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो भगवान कहते हैं ये दुख कभी आएगा ही नहीं। चरित्रमानस में हनुमंत लाल जी से पूछा है एक बार भगवान श्री राम ने। हनुमंत लाल से कहते हैं राम जी, हनुमंत क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए, जो चाहो सो मैं दूंगा। हनुमंत लाल कहते हैं राम जी से, मैं जो मांगूंगा आप देंगे मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल मांगो। तब हनुमंत लाल ने कितनी सुंदर बात कही है राम जी से। हनुमंत लाल की कह है, हनुमंत के पति प्रभु सोई समय हम जिस घड़ी जिस क्षण हम परमात्मा को भूल जाए जाए, इसे बड़ा कोई दुख नहीं है। ध्यान बेटा बेटी मकान दौलत संपत्ति घर परिवार नौकरी चाकरी रोटी, ये दुखी नहीं है। इस संसार में कोई विपत्ति है तो कहते हैं जब तब सुमिरन भजन न होई, जिस घड़ी जिस समय हम परमात्मा का स्मरण ना कर पाए, इससे बड़ी दुख की घड़ी कोई हो नहीं सकती। सबसे बड़ा सुख सबसे बड़ी संपत्ति है कि हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, हम परमात्मा की स्मृति कर रहे हैं। तो आप ये जो 3 घंटे यहाँ पर व्यतीत करते हैं ना महाराज, ये सबसे बड़ी संपत्ति है आपके पास, ये सबसे बड़ा सुख है जो मिल रहा है। सबसे बड़ी संपत्ति परमात्मा का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना। हर समय हम गृहस्थ में व्यतीत करते हैं, बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, हर क्षण उनके लिए व्यतीत करते हैं। लेकिन इस 24 घंटे में हम कितना समय भगवान का संग चाहते हैं, कितना समय हम परमात्मा के लिए देते हैं, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। अंत कहते हैं मुझे नहीं चाहिए वो विपत्ति, मुझे यही संपत्ति दे दो कि आपका भजन आपकी स्मृति बनती रहे। इसलिए तो कुंती कहती है विपदा संतु ना शश्वत, भक्त ही कभी मांगेगा तो क्या मांगेगा, आपका और मेरा साथ बना रहे, आपका और मेरा संग बना रहे। भक्त कभी संपत्ति की चाह नहीं करता, और जो संपत्ति की चाह रखता है वास्तव में वो भक्त होता ही नहीं है। इसलिए भगवान के पास मंदिर में जाओ तो हमेशा बस यही प्रार्थना करो, प्रभु आपका मेरा संग ना छूटे। और क्या कहना है भगवान से कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। Oh, no.
चहेंगे वो है ना श्रोता, जो बोले वो वक्ता, जो ने वो श्रोता, तो
हमारा काम तो बोलने का ही रहता है ना। अभी तो आप बैठकर सुन रहे हो, कथा ही ऐसी है जहाँ आप सुनते हो, और यहाँ से निकलोगे तो बस बोलना चालू हो जाए, है ना। यहाँ ही बैठे हो चुपचाप, यहाँ से निकले नहीं कि बोलना शुरू। यहाँ तो आपकी मजबूरी है कि माइक मेरे हाथ में है, मैं ही बोलूं। आप बोलोगे तो आपकी आवाज नहीं आने वाली, चुप ही रहना पड़ेगा। बाकी के संग बोलना चालू रहता है, बहू से बोलना, बेटा से बोलना, पति से बोलना, दुकान पे खड़े हैं तो नौकर से, ग्राहक से बोलना, सबसे बस बोलना ही बोलना। पर भगवान से कहो कि प्रभु हर समय हम बोलते हैं, पर आज हम नहीं, आप बोलो और हम सुने, आप वक्ता बनो और हम श्रोता बनो। तुम श्रोता हूँ तो महाराज वहां भागवती होगी। हम मंदिर में भी जाके बोलते ही बोलते हैं तो हम संसारी जीव बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, संसार की बातें करेंगे, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। कभी मौन रख करके जाओ और भगवान से जाकर कहो प्रभु आज बोलने नहीं सुनने आए हैं, आप सुनाइए कैसे हैं, क्या हाल चाल है, ठीक है या नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं, कभी पूछते हैं हाल चाल। यदि हम सुनने के लिए जाएं और प्रभु से आप सुनाइए हम सुने, तो क्या पता कृष्ण क्या सुनाएंगे। और कृष्ण यदि बोलेंगे तो महाराज गीता ही बोलेंगे, भागवती बोलेंगे, और ईश्वर क्या बोलेंगे, वहां तो भागवती होगी, तेरे संग में रहे। इसलिए प्रभु से बस यही प्रार्थना कीजिए कि आपका संग मिले, आपका साथ मिले। हम उसके दरबार में जाकर लक्ष्य मांगते हैं,
लक्ष्मी मांगते हैं तो लक्ष्मी मिल जाती है और आती है फिर चली भी जाती है कि धन तो चलायमान है ना, रुक तो नहीं है। लक्ष्मी को मांगा आया धन और चला गया, लेकिन यदि हम उसके दरबार में जाकर के नारायण को मांगेंगे तो नारायण यदि आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, क्योंकि जहां नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी भी होती है। तो नारायण लक्ष्मी को साथ लेकर आएंगे और जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी हमेशा रहेगी। इसलिए सिर्फ लक्ष्मी को मत मांगिए, नारायण को मांगिए, लक्ष्मी खुद बखुद आएगी, अपने आप आएगी, मांगने की जरूरत नहीं है, खुद चली आएगी। आपका साथ, आपका साथ, भक्त यही चाह रखता है, भक्त की यही मांग होती है। कुंती बुआ कहती है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वही विपत्ति जिसमें आपका स्मरण बना है कृष्ण झरझर नेत्र से कुंती बुआ की ओर देखते हैं, गले से लगा लेते हैं, बुआ जी क्या मांग रही हो आप? विपत्ति मांगने की चीज थोड़ी है, और स्मरण की बात, मेरा आपका साथ हमेशा अपना रहेगा। कुंती बुआ कहती हैं, जैसे पग पग पर आपने हमारी रक्षा की, हमेशा ऐसे ही जब जब हम आपको याद करें कृष्ण आप दौड़े चले आए। आशीर्वाद दिया, चले आए भगवान द्वारकापुरी की ओर। अभिमन्यु की पति उत्तरा के गर्भ से पांडवों के वंश में बालक का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, ब्राह्मणों ने नाम रखा परीक्षित। परीक्षित के जन्म पर द्वारकाधीश कृष्ण भी पधारे। कृष्ण ने परीक्षित को देखा तो प्रसन्न हो गए और परीक्षित को बताना चाहते हैं, आज मैं तेरा दर्शन करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि आगे तू ही तो है, तेरे ही माध्यम से भागवत का प्रचार होगा, तेरे ही माध्यम से ये भागवत जन जन तक पहुंचेगी, तेरे ही माध्यम से भागवत समाज का कल्याण होगा। परीक्षित को दर्शन देने नहीं, दर्शन करने आए हैं परीक्षित का। अब प्रक्रियाओं को इस प्रकार बनाइए कि बांके बिहारी जी के मंदिर में जाओ, वृंदावन में जाओ तो बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जाओ, बिहारी जी आप देखने के लिए तरसे, और जब आप मंदिर में जाओ बिहारी जी कहें वाह रे वाह मेरा भक्त आया है, कोई मेरा प्यारा आया है, कोई मेरा प्रेमी आया है। हमारी प्रक्रियाएं ऐसी होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम बिहारी जी को देखने के लिए नहीं, बिहारी जी को देखने के लिए तरसे। मीरा नाचती थी जब नृत्य के माध्यम से, कृष्ण को रिझाती थी मीरा, गिरधर गोपाल को रिझाती थी मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गिरधर लाल मीरा का नृत्य देखकर ऐसा भाव भोर हो जाते कि अगर किसी मीरा नाचने में देरी कर देती तो गिरधर लाल विचलित हो जाते थे, छटपटाने लगते थे। आज मीरा ने मुझे नृत्य नहीं दिखाया, आज मीरा का नृत्य नहीं मिला, मीरा का नृत्य इतना भाव विभोर प्रभु थे। ऐसा नृत्य करती थी मीरा, ऐसे रिझाती थी मीरा, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, फिर भी पग गुरु बांध मीरा नाची रे। मीरा ने किसी की परवाह नहीं की, मीरा ने जगत के बारे में नहीं सोचा, मीरा ने समाज परवाह नहीं की, मीरा सिर्फ
गिरधर को रिझाने के लिए अपने भाव प्रकट करती थी। हम लोग तो संसारियों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, भगवान के बारे में थोड़ी सोचते हैं। मेरा तिलक मेरी माला जिससे मेरा गोविंद रिझेगा। हम कह करते हैं श्रृंगार, अगर माथे पर तिलक लगा लिया ना और किसी पड़ोसन ने टोक दिया, ओहो आजकल तो बड़ी भटानी बन रही है, तुरंत पूछ देते हैं, शर्म आ जाती है, लाज आती है। गले में तुलसी की माला पहन ले और किसी ने टोक दिया, ओहो आजकल तो बड़ी सतंगी हो रही है। गले में तुलसी की माला हम निकाल देते हैं, हम ठाकुर को रिझाने का प्रयास थोड़ी करते हैं, हम तो समाज को रिझाने का, हम वो श्रृंगार करना चाहते हैं जिससे मेरा समाज रिझे, हम वो श्रृंगार करना चाहते हैं जिससे मेरा परिवार रिझे। मेरा ठाकुर किससे रिझता है हम वो कभी सोचते ही नहीं। भगवान को प्रिय है आप माथे पर तिलक लगाओ, भगवान को अच्छा लगता है आप गले में तुलसी टोंगे। ये वस्त्र ये आभूषण ये साजो श्रृंगार कृष्ण को प्रिय है, वो रीझ जाते हैं। ये तो मीरा जोगनिया का भेष बनाकर घूमती थी तो सास ताना मारती रानी है, ये क्या बाबा जियों का भेष बनाकर घूमती है, लोग गालियां देते हैं, लोग कटचन कहते हैं। मीरा कहती है समाज खुश होता है नहीं होता मुझे परवाह नहीं, मेरा गिरधर रीझता है बस मैं यही चाहती हूँ, मेरा गोविंद रीझ जाए बस मैं यही चाहता हूँ। मेरा ठाकुर रीझे मैं वो श्रृंगार करूँ, मैं वो भेष बनाऊँ जिससे मेरा कृष्ण रीझे, मैं वो श्रृंगार करूँ जिससे मेरा गोविंद रीझे। हम गए थे पासपोर्ट बनवा के लिए पासपोर्ट ऑफिस में, बायोमेट्रिक हो रहा था तो सामने जो बैठे थे उन्होंने कहा बहन जी गले में माला पहने आप उतार दीजिए। मैंने कहा क्यों, बोले नहीं इसको नहीं पहन के रख सकते हैं। मैंने कहा ये तो नहीं रहेगी, कोई और ऑप्शन बताइए। बोले कभी नहीं उतारते। मैंने कहा नहीं ये तो दिन रात पहन कर रखते हैं। बोले हमने सोचा आप कहीं बाहर जाती होंगी जब ही पहनती होंगी। मैंने कहा नहीं ये तो हर समय धारण करके रखते हैं, कोई और ऑप्शन हो तो बता दीजिए, ये तो उतरेगी नहीं। नहीं हमारा कहने का मतलब है कि अगर आपने सिर्फ साजो श्रृंगार के लिए इसको धारण किया है तो आप इसको निकाल दीजिए, अगर आप कंटिन्यू इसको पहनती हैं तो कोई बात नहीं। कहने का तात्पर्य है जो फोटो हम अभी लेंगे ये माला उस समय भी आपके गले में होनी चाहिए जब आप कहीं बाहर दूसरे देश में जाएं, तब भी होनी चाहिए। मैंने कहा चिंता आप मत करो, हर समय हर क्षण हमारे गले में रहती है, कभी उतरती नहीं। सिर्फ श्रृंगार के लिए नहीं है ये, सिर्फ साजो सज्जा के लिए है। तुलसी से मेरा गोविंद रीझ जाता है, बहुत प्रिय है भगवान को तुलसी, पहननी चाहिए हर व्यक्ति को जो वैष्णव है जो सनातन धर्मी है जो भक्त है जो कृष्ण प्रेमी है उसको अपने गले में तुलसी की माला हर समय धारण करनी चाहिए। बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, मैं इस भ्रांति को भी थोड़ा दूर कर दूं। बहुत से लोग भ्रमित होते हैं कि तुलसी की माला बूढ़ी माताएं पहनती हैं, बच्चे नहीं पहन सकते हैं, फलान नहीं पहनते, स्त्री नहीं पहनती, पुरुष नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। इस भ्रम को दूर कर लीजिए, तुलसी की माला कोई भी पहन सकता है, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो बुजुर्ग हो स्त्री हो पुरुष हो, और हर परिस्थिति में ये माला पहनी जा सकती है। आप शुद्ध हैं आप अशुद्ध हैं आप पवित्र हैं आप अपवित्र हैं, किसी भी परिस्थिति में ये माला
गले से उतारी नहीं जाती, समय सोते जागते उठते बैठे आप इस माला को कंटिन्यू धारण करके रखिए। सोबर हो, सूतक हो, कुछ भी हो, हाँ अगर टूट जाती है उस माला को आप निकाल दीजिए, अगर आप जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए, दूसरी धारण कर लीजिए, ठाकुर जी को स्पर्श कराओ और गले में धारण करो। हर व्यक्ति को तुलसी माला पहननी है, क्यों पहननी चाहिए? मैं हास परिहास में कहती हूँ, जैसे कोई पालतू कुत्ता होता है ना, तो उसके गले में पट्टा बंधा होता है, ये पालतू कुत्ते की पहचान होती है कि नहीं? गले में चैन होती है, पट्टा होता है, लावारिस होता है, उसके गले में चैन नहीं होती। हम लोग समझ जाते हैं ये लावारिस, लेकिन जिसके गले में चैन है इसका मतलब इसका कोई मालिक भी है। तो हमारे गले में ये राम नाम का पट्टा है और ये पट्टा इस बात प्रमाण देता है कि हमारा कोई मालिक भी है, हम लावारिस नहीं, हमारा मालिक भी है, इस बात का प्रमाण है, हम वैष्णव हैं, हम सनातन धर्मी हैं, ये इस बात का प्रमाण है। इसलिए साजिश आप कुछ पहनो मत पहनो, आप सोना चांदी जेवर कुछ भी पहनो मत पहनो, पर तुलसी की माला जरूर पहनो, बहुत आवश्यक। इसलिए तो मीरा कहती है क्या कि जिन बेशा मारो गिर धरीज, कि जिन बेशा मारो सावरो रीज, सो बाला सो ही भेष धरूंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हूं, जिन भेजा मार गिर धर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी, रे बाला तेरे लिए मैं बैरागन होंगी, मुझे वो कार्य करना है जिससे मेरा ठाकुर जी, मुझे वो क्रियाएं करनी है जिससे मेरा गोविंद गिरी जी। जगत को रिझाने से भी फायदा नहीं, ध्यान देना, लोगों का काम होता है, ये कभी किसी के अपने नहीं होते हैं, जगत क्रीत है, इनको खुश करने के बारे में आपका जीवन बीत जाएगा पर समाज कभी खुश नहीं होगा, होता है क्या बताओ? इनके लिए कुछ भी कर लेना लोग अभी प्रसन्न नहीं होते हैं, अरे कुछ करने की तो बात दूर है, अगर आप इनके लिए मर भी जाओगे ना तब सामने वाला यही कहेगा मरा तो था पर मन से नहीं मरा, तब भी कोई ना कोई तर्क निकाल ही लेंगे, समाज कभी खुश नहीं होता, कुछ भी करके आप देखो, एक गिरधर मेरा ऐसा है, एक ठाकुर मेरा ऐसा है, एक बांके बिहारी मेरा ऐसा है, आप उसके लिए कुछ भी करते हैं बस भाव से होना चाहिए, वो री जाएगा। एक फूल भी आप लेकर जाएंगे ना तो वो नहीं पूछेगा किसका लाए, कहां से लाए, कौन सा लाए, खुशबू वाला है बिना खुशबू वाला है, नहीं पूछेगा, अगर आप भाव से सच्ची श्रद्धा से लेकर जाते हैं उसको भी स्वीकार करेगा। बोलो बांके बिहारी आज परीक्षित दर्शन देने नहीं, परीक्षित का दर्शन करने आए, ये वही है जिसके माध्यम से भागवत धर्म का प्रचार होगा। परीक्षित ने मन ही मन प्रणाम किया है कृष्ण को, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए हैं, देखा पांडवों ने अब परीक्षित राज का संभालने योग्य हो गए हैं, तो अब इनको राजा बना देना चाहिए, परीक्षित को राज का सौंप करके पांडव लोग चले गए हैं भ्रमण के लिए, परीक्षित राज्य का पालन कर रहे हैं, उत्तर की बेटी रावती के साथ परीक्षित का विवाह हुआ है, जन्मेजय आदि चार पुत्र हुए हैं, लगभग 40-45 वर्ष की परीक्षित की आयु है। एक दिन महाराज परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं,
कहते हैं कि राजसी कोष में एक सुंदर हीरे जवाहरात से जटित मुकुट था। दास दासियों ने कहा, महाराज आपके पास इतना खजाना है। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज अपने समय के। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जो सुपर विजय प्राप्त कर ले, चक्रवर्ती सम्राट। खजाना है, इतना धन है आपके पास में कि आपको पता भी नहीं है कितना धन है। देखिए ना कितना सुंदर मुकुट है। आज आप इस मुकुट को धारण करें। महाराज परीक्षित ने वो मुकुट सिर पर धारण किया। जरासंध नाम के दैत्य का मुकुट था और जरासंध एक पापी राजा। भीम ने जरासंध को मारा तो मुकुट ला करके अपने राजसी में जमा किया था। जरासंध पापी राजा था, अधर्म की कमाई से उसने वो मुकुट बनवाया था। इसलिए आज जब परीक्षित ने वो मुकुट धारण किया, बुद्धि चक्रा। तीन लोगों का धन कभी पछता नहीं है, ध्यान देना, वो गड़बड़ जरूर करेगा। तीन लोगों का धन कभी नहीं पछता। कौन कौन सा? पहला नानी का। नानी मतलब ससुराल वालों का, लड़के की ससुराल वालों का धन कभी पछता नहीं। दूसरा यजमानी का, ये भी धन नहीं पछता है। ब्राह्मण का काम है दान लेना, वह दान लेता है, प्रभु दान इतनी आसानी से पचा नहीं सकता। उसके लिए उसको अपने नित्य नियम करने पड़ते हैं। उसके लिए उसको भजन करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। उसके लिए उस धन को पचाने के लिए ब्राह्मण का भी कर्तव्य होता है कि जो दान वो ले रहा है उस दान में से, उस धन में से वो भी दशांश भाग दान करे, कुछ भाग वह भी दान। यजमानी का धन आसानी से पचता नहीं। तो पहला नानी का और दूसरा यजमानी का और तीसरा बेईमानी का। ये बेईमानी का धन भी कभी नहीं पचता। कितना भी आप विचार कीजिए, अगर बेईमानी धन कमाओगे तो कहीं ना कहीं वो अपना असर जरूर दिखाएगा। एक सेठ के घर में एक नौकर नौकरी करता था। एक दिन वो नौकर आके बोला, सेठ जी आज मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूं, मुझे इजाजत दो। सेठ बोला, काय को छुड़ा रहा है? हम तुझे अपने परिवार की तरह रखते हैं, तेरी सब सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, घर के सदस्य की तरह तुझे रखते हैं, कभी तुझे डांटते नहीं है। फिर क्या कष्ट है तुझे जो तू हमारी नौकरी छोड़कर जा रहा है? क्योंकि देखो अच्छा नौकर भी तो सरलता से मिलता नहीं है ना। तो अच्छा कोई नौकर होगा ना तो मालिक लोग उसको जाने नहीं देते जल्दी से। सेठ कहता मत जा। कहता नहीं, मुझे तो जाना ही नहीं। सेठ कहता है पर क्यों? देख पारिवारिक परिवार की तरह, सदस्य की तरह मैं तुझको रखता हूँ। घर तेरे लिए खुला छोड़ा है मैंने, पूरे घर की चाबियां टेबल पर पड़ी रही हैं, तेरे सामने छोड़कर हम चले जाते हैं, पूरा घर ही खुला छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी तू हमें छोड़कर जा रहा है, क्या कष्ट? तो नौकर कहता है, सेठ जी चाबी तो छोड़कर जाते हो लेकिन उन चाबियों का क्या फायदा, जब लगाने का प्रयास करता हूं तो एक ताला खुलता नहीं है। ऐसी चाबी का क्या फायदा? चाबी छोड़ते हो पर लगाता हूं तो कोई भी लगती नहीं है, ताला खुलता नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि बेईमानी का धन कभी पचता नहीं है। बचना चाहिए ऐसे धनों से। और अगर ये धन आपके पास में आया भी है
तो आप कुछ ना कुछ करके दान करके धार्मिक कार्यों में लगा उसको सुनिए। महाराज परीक्षित आज उस मुकुट को पहनकर जैसे ही निकले हैं तो दी चक्रा गया था, शिकार खेलने के लिए गए हैं। एक ऋषि का अपमान किया शमीक नाम के मुनि, महाराज परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने ये दृश्य देखा, श्राप दे दिया, जिस भी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया आज सातवें दिन वो राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। श्रृंगी ने आकर पिता के गले से सर्प निकाल कर फेंका, मुनि के नेत्र खुले। श्रृंगी ने सारा वृत्तांत सुनाया। शमीक मुनि ने शिष्यों को बुलाया, परीक्षित को सूचित करके आओ उनको श्राप लगा है, सातवें दिन मर जाएंगे। महाराज परीक्षित यहाँ जैसे ही अपने राजमहलों में आए, शिष्य दौड़े दौड़े आए, आकर के समाचार सुनाया। परीक्षित ने सिर से मुकुट उतारा, जैसे ही मुकुट उतारा तो बुद्धि शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, सारा वृत्तांत समझ गए, सारा विचार आ गया। शिष्यों ने बताया श्राप लगा है आपने, आज शमीक मुनि का अपमान किया, श्रृंगी ने सातवें दिन मृत्यु का आपको श्राप दे दिया है, इसलिए अपनी मुक्ति उपाय सोचे, कुछ भजन साधन करें, अपना उद्धार करें। महाराज परीक्षित ने जैसे ही ये वचने जन्मेजय को राज तिलक किया, राजा बनाया और सब कुछ छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान करने लगे। गंगा के तट पर गए हैं, अनन व्रत धारण करके बैठे हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं आज श्रृंगी ने मुझे श्राप नहीं, आज श्रृंगी ने मुझे वरदान दिया। श्राप नहीं है ये वरदान है, क्योंकि आज यदि श्रृंगी मुझे ये श्राप ना देता तो भजन करने में आता क्या? ये श्राप कहाँ हुआ? तो वरदान हुआ, मेरे लिए आशीर्वाद हो गया। जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास होगा, वे हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को ही महसूस करेगा। और जिसके हृदय में विश्वास नहीं, उसके ऊपर कृपा बरस भी रही हो तो भी वो कृपा का अनुभव नहीं करेगा। भक्त के यही लक्षण होते हैं, विश्वास जिसका पका है वो संकट की घड़ी को ही भगवान की कृपा का ही अनुभव करता है। पात्र सड़क पर पड़ा हुआ है, खुले आकाश हैं, घनघोर वर्षा हो रही है, सारे में पानी पानी हो गया, चारों तरफ जल ही जल। जब बारिश शांत होने लगी तो पात्र ने वर्षा की ओर देखा और आकाश में वर्षा को कहा, रे वर्षा इतना बरसी कि सब जल ही जल हो गया, पर तू देख तेरी इतनी सामर्थ्य ना रही कि तू मुझे भर पाए। चारों तरफ जल जल है पर मुझे भर ना पाए, मैं खाली का खाली रहा। वर्षा का क्या फायदा जो मुझ पात्र को भी ना भर पाए? तो वर्षा कहती है कि मैं तो बरस रही थी, सब जगह पानी भर गया पर तू ना भर पाया, इसमें कमी मेरी नहीं, कमी तेरी है। अपना मुंह देख, तेरा मुंह किस तरफ है? पात्र खुले आकाश में तो था लेकिन उसका मुंह जमीन की तरफ था, उल्टा पड़ा हुआ है। घनघोषा हुई, सब जगह जल ही जल हुआ लेकिन उस पात्र में भी नहीं आया, वो खाली का खाली रहा। कहने का तात्पर्य है पा तो बरस रही है, विश्वास का पक्का है, भगवान की कृपा का अनुभव करता है, और जिसके भीतर विश्वास नहीं
बरसते हुए भी वो भगवान की कृपा को महसूस नहीं कर पाता। भक्त संकट की में भी भगवान की कृपा ही मांगता। श्राप मिला था परीक्षित को, लेकिन फिर भी परीक्षित कहते हैं श्राप नहीं ये तो वरदान है। कम से कम मैं भजन करने तो आया, कम से कम मैं अपना उद्धार करने को आया, नहीं तो गृहस्थी में फंसा रहे। ये भक्त के लक्षण हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए दो बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे। नींद तो नहीं आ रही? हाँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। कभी कभी प्रकोप हो जाता है, मुझे सब पता लगता रहता है। देखो ऊंचा सिंहासन है ना, तो सब दिखाई पड़ते हैं। कोई एकाध झप्पी भी ले तो वो भी पता लग जाता है। और मैंने आप प्रथम दिन ही निवेदन किया कि मुझे तो सबका ही ख्याल रखना है। कोई सुने आया, कोई सोने आया, पर मुझे सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है। बोलो कृष्ण हूँ मैं तुझ पूँ सदा तेरा नाम, दयालु दया करो मैं तुझ पूँ सदा तेरा नाम, दयालु दया करो मैं तुझ पूँ सदा तेरा नाम, दयालु पर इसका सीधा प्रसारण हो रहा है। आप सब तो बैठकर सुन ही रहे हैं, लेकिन इस कथा को YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से भी बहुत दूर दूर बैठ के लोग सुन रहे हैं। अभी आगामी हमारी कथा 21 तारीख से राजस्थान में है, सवाई माधुर के पास में एक स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान, चौथ का बरवाड़ा। पूरे वर्ल्ड में चौथ माता का सिर्फ एक वही मंदिर है। वहां पर दिव्य स्थान पर अभी तारीख से कथा का आयोजन है, और फिर उसके बाद में पितृ पक्ष में 22 सितंबर से कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी भागवत कथा का आयोजन है। फिर उसके बाद नवरात्रि में बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर लगता है, वहां पर भी कथा का आयोजन है। फिर नवंबर में आपके यहाँ बड़सर में ही भागवत कथा का आयोजन है। वो लोग भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं YouTube के माध्यम से, और भी आपके हिमाचल में भक्त मेरे पास WhatsApp पर कल मैसेज आ रहे थे। जो लोग सुन रहे हैं सब कह रहे थे बड़ा आनंद आ रहा है। कल जाहू से भी एक दो फोन आए, बोले ब्यास जी कृष्ण जन्म कब है, हम भी आएंगे। मैंने कहा जरूर करो। बोले आपकी कथा YouTube पर सुनी, बड़ा आनंद आया। फिर सब पूछ रहे थे कि भाई वर्षा का मौसम है तो व्यवस्था कैसी है। मैंने कहा आप तो आ जाओ, यहाँ बढ़िया व्यवस्था है, बारिश की टेंशन नहीं, आप तो आओ। कथा नलियाना टिहरा से से भी भक्त लोग कथा में आएंगे। तो आपकी इस कथा को सिर्फ आप ही नहीं सुन रहे हैं, दूर बैठकर लोग भी सुन रहे हैं। किस प्रकार आप कथा को सुन रहे हैं वो भी दिख रहे हैं, कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है। यह कथा आप जब घर जाएंगे तो आप भी अपने मोबाइल फोन पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक के पूजा वशिष्ठ नाम पेज पर भी इस कथा को सुन सकते हैं। अपने रिश्तेदारों में,
अपने परिवारजनों इस कथा को शेयर करके उनको भी ये कथा सुना सके और उनको भी निमंत्रण दे सके कि देखो हमारे गांव में कितना बढ़िया कर चल रही है, तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग भी आओ। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि ऐसे हाथों को बंद करके कीर्तन करो। जो लोग देख रहे हैं ना उनको भी जोर आना चाहिए टीवी के माध्यम फोन के माध्यम से कि देखो कितना प्रेम से कथा सुन रहे हैं। तो दोनों हाथ खोल कर सब गाएंगे ऊंचे ऊंचे उठाकर। क्या मैं तो जब मुझे दास मेरा लोग निशान।
राधा रमण लाल की जय जय श्री राम। महाराज परीक्षित अनशन व्रत धारण करके गंगा के तट पर विराजित हजारों लाखों संत वहां पर एकत्रित हुए हैं, दीक्षित की मुक्ति कराना चाहते हैं। परीक्षित ने सबको प्रणाम किया, नमन किया। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा भजन करो, किसी ने कहा निष्ठान करो। परीक्षित को संतुष्टि नहीं मिली। अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तभी महाराज परीक्षित चिंतातुर व्याकुल मन से, कैसे होगा मेरा उद्धार, कैसे होगा मेरा कल्याण, भगवान को पुकारा। तो उसी सभा में षोडश वर्षीय 16 साल के नव युवक भगवान शुकाचार्य का पदार्पण हुआ। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केश प्रलम्बहु स्वमरुत्माभम। दिगंबर जिन का वेश है, जिन्होंने अपने घरों के बाहर आ जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, देखो कैसा जोगी है, कैसा बाबा है। तो छोटे छोटे बच्चे सुखदेव को पत्थर मार रहे हैं, छेड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। उसी रास्ते से देवऋषि नारद भी गुजर रहे थे। नारद जी ने ये दृश्य देखा, नारद जी ने भी एक छोटा सा कंकण उठाया और सुखदेव जी की ओर फेंक दिया। जैसे ही सुखदेव को फेंका, सुखदेव जी ने गुस्से में भर के तिरछी निगाहें करके नारद जी को देखा। नारद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले महाराज ये सब मारते हैं तो आप मुस्कुरा रहे हैं, और मैंने मार दिया तो आप तिरछी निगाहें भर के गुस्से में देख रहे हैं, क्यों मेरी तरफ रोष क्यों, इनकी तरफ प्रसन्नता क्यों? भगवान शुकाचार्य कहते हैं मुनिवर ये तो सब अनजान है, क्या जाने मैं कौन हूँ। तो मार रहे हैं ठीक है, इन पर रोष करके भी क्या फायदा, पर आप तो जानकार हैं, आप तो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो आप भी वही काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे रोष आया। दूसरा कोई पत्थर भी मारता है तो उसका उतना दर्द नहीं होता, पर अपना कोई फूल भी फेंक कर मारता है ना तो उसका भी दर्द हो जाता है। वो तो गैर था पर तू तो अपना था। सुखदेव कहते ये तो पराए हैं, ये क्या जाने, आप तो अपने हैं। नारद जी ने कहा क्षमा करना महाराज, थोड़ा सा मुझे भी आश्चर्य हो गया था, ये लोग मार रहे हैं आप कुछ कह नहीं रहे हैं, क्या कैसे भागवत सुनाएंगे, कैसे परीक्षित का उद्धार करेंगे, थोड़ा सा चिंता हो गई थी, इसलिए मैंने कहा थोड़ा परीक्षण करके देख लिया जाए। सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोले अब चले, देरी हो रही है, परीक्षित इंतजार कर रहा है। सभा में पहुंचे, परीक्षित ने प्रणाम किया, सुंदर से आसन पर विराजमान किया, अर्घ्य पाद से पूजन किया। तब महाराज परीक्षित ने भगवान शुकाचार्य के चरणों में बैठकर प्रश्न किया कि अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, आप योगी हैं, परम गुरु हैं योगियों। अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु,
और पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा। जो म्रियमान पुरुष है, मरने वाला व्यक्ति, उसे क्या करना चाहिए? भगवान शुकाचार्य मुस्कुरा गए। मरने वाला व्यक्ति, परीक्षित कहते हैं श्राप लगा है, सातवें दिन में मर जाऊंगा, इसलिए अपनी मुक्ति करने आया, कैसे होगी मेरी मुक्ति, कैसे होगा मेरा उद्धार? सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मरने वाले तुम ही थोड़ी हो, संसार में सबको मरना है, मरना है कि नहीं मरना है, किस किस को मरना है, जरा हाथ खड़े करो। देखो दो चारों ने तो अभी हाथ ही नहीं खड़े किए, है ना? मरने की बात, डर लगता है मरने से, सब काम हो जाए पर मौत नहीं आनी चाहिए, है ना? और ये एक ऐसा कटु सत्य है जो हर व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ेगा, जरूरी है। पर हम चाहते ही नहीं है मरे, हम चाहते ही नहीं है हमारी मौत आए, चाहता है कोई? नहीं चाहते है ना? अंतिम समय में शैया पर भी पड़ा हुआ होगा ना व्यक्ति, जब इंद्रियां भी काम करना बंद कर देंगी, तो भी उस व्यक्ति से कहो कि भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान अब मुझे ले जाओ, तो भी व्यक्ति कहेगा अभी नहीं, दो चार दिन और जी लूं। अभी कैसे? व्यक्ति चाहता ही नहीं है, पर ये कटु सत्य है, हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। जन्म को स्वीकारा है तो मृत्यु को भी स्वीकार कीजिए, क्योंकि जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जन्म हुआ तो मृत्यु तो होगी ही, जरूरी है। अच्छा, मौत ना आए, हम लोग कहते ना, हे भगवान हमारे दादा को क्यों ले गए, बाबा को क्यों ले गए, दादी को क्यों ले गए, पर बाबा को क्यों ले गए, कहते ना। अगर ये मौत ना आए, भगवान ने प्रकृति ऐसी बनाई होती कि सब जन्म ही जन्म लेते, मरता कोई नहीं, तो महाराज सोचो आज दशा क्या होती, घर छोटे हो जाते, रहने वाले ज्यादा हो जाते। अगर लोग मरते नहीं, आप सोचो कि जन्म तो ले रहे हैं, आपके घर में बच्चे आ रहे हैं, नाती पोते, पर बाबा, पर बाबा, पर बाबा, उनके भी पर बाबा, सब धरे ही हैं घर में, तो फिर समाज कैसा होता, कैसे जीते, बताओ? फिर ये जनसंख्या कहाँ पहुंचती? तो भैया जन्म है तो मृत्यु भी है, अगर पुराने जाएंगे नहीं तो नए आएंगे कैसे? अगर नए चाहते हो तो पुरानों को भेजना पड़ेगा, जरूरी है। फिर मृत्यु को क्यों नहीं चाहते? ठीक है, आपने सब फर्जों को पूरा किया, बेटा बेटी की शादी हो गई, घर मकान दुकान सब हो गया, नाती पोते हो गए, अब भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि प्रभु अब सब फर्जों को मैंने पूर्ण कर लिया है, अब बेटा की भी शादी हो गई, बेटी की भी हो गई, सब अपने अपने काम धंधे में लगे हैं, अब तो मेरा जो भी बचा कुचा समय है मैं तेरे चरणों में न्योछावर करता हूँ, इसलिए जब तेरा जी चाहे तब तू ले जा, तब तो बात बढ़िया है। पर हम तो कहा, पोता हो गया तो पोती चाहिए, एक हो गया तो दो चाहिए, दो हो गए तो अब ये बड़े हो जाने चाहिए, बड़े हो गए तो फिर विवाह होना चाहिए, फिर विवाह हो गया तो पर पोता होना चाहिए, इच्छाएं लगी रहती हैं, मरना ही नहीं चाहते। पर ये कटु सत्य है, हर व्यक्ति को मरना तो पड़ेगा। परीक्षित कहते हैं नहीं नहीं, मैं वो मरने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे सात दिन में मरना है, मेरी मुक्ति कैसे होगी? सुखदेव जी कहते हैं तुम्हें ही सात दिन में नहीं मरना, संसार के प्रत्येक जीव को सात दिन में मरना है, मरना है कि नहीं? किस किस को सात दिन में मरना है बताओ? देखो अब दो चार हाथ खड़े हुए, बोले अब तो मौत की बात हो रही थी, अब तो सात दिन की बात हो रही है।
व्यास जी, ये 7 दिन का काम तो खराब है, इतनी जल्दी भी नहीं मरना चाहते? बोले ठीक है मर जाएंगे, पर इतनी जल्दी थोड़ी। पर भैया आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना है। कैसे मरना है? सीधी सी बात है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। रविवार को व्यक्ति जन्म लेता है, सोमवार को बोलना सीखता है, मंगलवार को बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है, फिर बुधवार को उसके बालक हो जाते हैं, फिर गुरुवार को बाबा बन जाता है, फिर शुक्रवार को शैया पर पड़ जाता है और शनिवार को चला जाता है। ऐसा ही तो होता है, और कोई 8वां दिन है क्या? इन्हीं 7 दिनों में होना है। लेकिन हम जानते तो हैं पर मानते नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करते। अगर आप ध्यान दें, विचार करें तो बस यही 7 दिन है, 8वां दिन ही नहीं है हमारे। जो होगा इन्हीं 7 दिनों में होगा, इसलिए समय रहते चेत जाइए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, तुम बड़भागी हो, कम से कम जानते तो हो कि तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन आएगी। अभागे तो ये लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि हम कौन से सप्ताह के कौन से 7वें दिन मरेंगे। हमें तो पता ही नहीं है, एक दिन का भी भरोसा नहीं, एक पल का भी भरोसा नहीं, एक क्षण का भी भरोसा नहीं। अभागे तो हम हैं, परीक्षित को कम से कम ज्ञात तो है 7 दिन तो कुछ होना ही नहीं है, गारंटी है 7 दिन जिएंगे। और हम 7वें दिन आएंगे, 7वें दिन की छोड़ो, कल मैं कथा सुना पाऊं निश्चित है? बताओ कल हम कथा सुन पाए, ये निश्चित है? एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक मिनट का भरोसा नहीं है। जब कथाएं की बुकिंग आती है ना, तो अभी कुछ दिन पहले एक फोन आया था, बोले व्यास जी अगले बरस की चैत्र महीने की जो नवरात्रि आती है उसके लिए आपको बुक करना है। मैंने कहा भैया अगला बरस में तो भी बहुत समय है, अभी ये बरस तो बीतने दो। बोले नहीं पता नहीं, फिर आप खाली मिले नहीं मिले पहले से। अरे तो रुक जाओ, अगला बरस आने दो, मार्च में नवरात्रि आएंगी, अप्रैल में नवरात्रि आएंगी, तो जनवरी फरवरी में बात करना, अभी पहले दिसंबर तो जाने। अभी से क्या बताएगी अगले बरस तुम्हारे पास आएंगे? कैसे बताए? जहाँ एक क्षण का भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं, कल क्या होगा ये कौन जानता है? इसलिए तो कहा गया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी तो बहुरी करेगो कब। एक मिनट में सब कुछ बदल जाता है, एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। पिछले वर्ष हम आने वाले थे आपके यहाँ पर, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और देखो कैसी प्राकृतिक आपदा आई, एक रात में ही सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बिखर गया। होना क्या था और हो क्या गया? अभी भी हमारी जो समिति के बुजुर्ग हैं वो बताते हैं, बोले पिछले साल भी पोस्टर लग गए थे, सब तैयारियां थी, सोचा तो था ऐसे कथा होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी प्लानिंग से ऊपर उसकी प्लानिंग चलती है महाराज। हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, पर उसने तो कुछ और ही सोच कर रखा है। हमारी प्लानिंग से ऊपर उसकी प्लानिंग, इसलिए ठीक है व्यवस्थाएं करनी चाहिए,
योजना बनानी चाहिए, पर उस योजना को प्रभु चरणों में समर्पित भी कर देना चाहिए। सोचा तो है, आगे तू जाने और तेरा काम जाने। मैंने कितनी जगह देखा है, सुंदर नगर में एक बार कथा चल रही थी, सुंदर नगर से भी 60-70 किलोमीटर ऊपर है निहरी एक जगह पहाड़ों में, और वो ऐसा गांव था कि बिल्कुल खड्ड में जाकर, मतलब रोड से इतना नीचे। पहले दिन हम उतर कर गए नीचे, मतलब इतना नीचाई पर था कि रोज रोज सड़क तक जा ही नहीं सकते। पहले दिन उतरे और सातवें दिन जब कथा विश्राम हो गई तब ऊपर चढ़ कर, इतना नीचाई, रास्ता ही नहीं है, बड़ा दुर्गम रास्ता पहाड़ों पर चढ़कर पहुंचे उनके गांव, दूर दूर से। मैंने कहा उन लोगों से जिन्होंने कथा कराई थी, जो यजमान परिवार था, कैसा रास्ता ही नहीं, यहाँ लोग कैसे कथा सुनने के लिए आएंगे। वो बोले व्यास जी सब आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब पहुंचेंगे। तो सब व्यवस्था उन्होंने करी थी, रोज भंडारे का भी, जैसे आपके यहाँ भी भंडारा होता है, पर आप लोग तो चले जाते हो, यहाँ तो व्यवस्था है, आसपास घर है, गाड़ियाँ हैं, रोड है, वहाँ तो रोड ही नहीं थी, गाड़ियाँ जा ही नहीं सकती। पगडंडी से लोग आते थे और बहुत से बुजुर्ग जो रोज नहीं आ सकते थे, तो उनके लिए व्यवस्था की थी कि यही रहो सात दिन, कथा सुनो, भोजन करो और यही विश्राम करो, ऐसी व्यवस्था बनाई। एक बुजुर्ग व्यक्ति दो दिन कथा में आए, मैंने पहले दिन आ गए, दो दिन की कथा सुनी, तीसरे दिन दिखाई नहीं। मैंने पूछा बड़े भाव से, अब देखो कथा सुनते ना सब लोग, तो जो कुछ कुछ श्रोता ऐसे होते हैं मुख्यतः, उन पर वक्ता का ध्यान ज्यादा जाता है, जो ध्यान से सुनते हैं, या आगे आगे के कह लीजिए, सब पर ध्यान नहीं जाता, उन पर ज्यादा जाता है, तो बड़े भाव से सुनते थे, सबसे आगे बैठते थे। तीसरे दिन दिखाई नहीं पड़े, मैंने पूछा उनसे भी, वो बाबा नहीं दिखाई पड़े। बोले आज वो अपने घर चले गए हैं, बोले कल मैं समय से आ जाऊंगा। अगले दिन कथा हुई, वो फिर भी नहीं आए। मैंने फिर पूछा आज भी नहीं आए, क्या चक्कर है? वो तो कह रहे थे सात दिन सुनेंगे हम। उन्होंने कहा हम भी उनके गाँव में फोन घुमाते, दूर से आते थे वो बाबा, जब गांव में फोन घुमा कर पूछा फलाने बाबा क्यों नहीं आए कथा में, बोले कल रात ही उनका प्राणांत हो गया, चले गए। योजनाएं तो हम बनाते हैं, पर हमारी वो योजना पूरी होगी या नहीं होगी ये हम थोड़ी जानते हैं। इसलिए आज करो, और जब रात्रि में सोने लगो तो शैया पर बैठकर हाथ जोड़कर उस ईश्वर को धन्यवाद करते हुए शयन करो। हे परमात्मा, आज का दिन बहुत अच्छा बीता, अब कल कैसा बीतेगा ये तू जाने और तेरा काम जाने। क्योंकि पता ही नहीं है ना सवेरे उठेंगे भी या नहीं उठेंगे, सोते सोते रह जाते हैं, जागते ही नहीं। कल का दिन क्या होगा, कैसे होगा, तेरे ऊपर है। परीक्षित से कहते हैं शुभदेव, आप जानते हो सात दिन कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, सात दिन का समय है। ये लोग जानते नहीं है, चिंता तो इनको करनी चाहिए। परीक्षित ने कहा फिर क्या करना होगा? तब शुभदेव कहते हैं मैं आपको ऐसी दिव्य कथा सुनाऊंगा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मरोगे नहीं जीते जी तर जाओगे। मरने का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी निवेदन किया, कथा को सुनने का सार यही है, मरना बस मर जाओ ऐसा नहीं है। मरने का तात्पर्य है ये मैं मर जाए, ये अहम मर जाए, अहंकार मर जाए। कथा सुन करके आपका मैं मर गया तो समझ लो आपका कथा सुनना सफल हो गया, और मैं बना रहा तो जीवन बीतेगा सुनते सुनते, फिर भी कथा का कोई फायदा नहीं, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं को मारना है, ये अभिमान मरना चाहिए। परीक्षित हाथ जोड़कर बैठे हैं, भगवान शुकाचार्य कथा सुनाने के लिए तैयार है व्यास मंच पर, राजा परीक्षित ने नमन वंदन पूजन किया है, तो आइए हम भी भगवान शुकदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करेंगे, भगवान शुकाचार्य का पूजन करेंगे, भगवान शुकाचार्य को नमन करेंगे। शुकदेव कौन है,
योगिनां परमं गुरुं, योगियों के भी परम गुरु हैं सुखदेव। सद्गुरु की उपाधि दी गई है भगवान शुकाचार्य को, इसलिए गुरु रूप मान करके भगवान शुकाचार्य को वंदन करेंगे और भगवान सुखदेव का ध्यान करते हुए अपने अपने गुरु का ध्यान करेंगे, अपने अपने गुरु के चरणों में भी वंदन करेंगे। बोलो सुखदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की पचाया, जिसने गुरु ज्ञान
द्वार गुरु का भाया एह लोक सुखी परलोक सुखी जो शरण गुरु की आया एह लोक सुखी परलोक सुखी। बोलो सतगुरु देव भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। राजा परीक्षित ने भगवान शुकाचार्य का वंदन किया, पूजन किया। भगवान शुकाचार्य परीक्षित को ये दिव्य कथा अमृत प्रस्पान करा रहे हैं। आगे की कथा हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज कथा का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है, तृतीय दिवस है। और कल कौन सा दिन है?
चौथा दिन चतुर्थ दिवस, और चतुर्थ दिवस एक उत्सव मनाया जाता है, चतुर्थे कृष्ण जन्मनी। कल हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाएंगे, नंद महोत्सव मनाएंगे। तो बड़े धूमधाम से आप सभी यहाँ अधिक से अधिक संख्या में समुपस्थित हों, नंद महोत्सव का आनंद ले। पर एक बात का ध्यान रखना कि कल सब जब आओगे तो पीले पीले वस्त्र पहन कर आना। कन्हैया का जन्मदिन ऐसी थोड़ी मनाया जाता है, बढ़िया सज धज करके आना, रोज की तरह मत आना घर वाले कपड़े पहन के, बढ़िया चमकीले दमकीले जो पार्टी वियर होते हैं अलग से होते हैं ना, वो घर वाले डेली वाले तो अलग होते हैं, रेगुलर होते हैं, और वो पार्टी वियर वो कभी कभी फंक्शन में पहने जाते हैं। तो बढ़िया चमकीले दमकीले पीले पीले ही पहन के आना, अगर नहीं हो तो खरीद लाना। पर पीले पीले हो तो ज्यादा आनंद आएगा। सब बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन के आएंगे, और कल ठाकुर जी के लिए भोग के लिए थोड़ा थोड़ा हो सके तो माखन मिश्री भी लगाई जाएंगी, बधाई बजाई जाएंगी। तो सबको नृत्य भी करना पड़ेगा, ठुमका भी लगाना पड़ेगा। अभी तक तो एक एक दो 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 चार ही नाच रहे हैं, लेकिन कल तो भैया सबको ही नाचना पड़ेगा। तो इसलिए अगर किसी को नहीं आता हो तो कल तक का समय है, प्रैक्टिस कर लेना, सीख कर आना, पर नाचना जरूर, क्योंकि कहते हैं ठाकुर जी के कीर्तन में नाचने से 84 के चक्कर में नाचना नहीं पड़ता। इसलिए कल कन्हैया के नंद महोत्सव में धूमधाम से सभी यहाँ पर समुपस्थित होंगे, खूब आनंद लेंगे, बधाइयाँ गाएंगे बजाएंगे, बधाइयाँ लुटाएंगे। तो सभी ठीक समय पर, जो आज भी नहीं आए हो, अभी 3 दिन तक जो लोग आपके आस पड़ोसी नहीं आए हो, कल उनको भी लेकर के आना। हमारे यूट्यूब के भक्ति मंजरी चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस कथा को व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से अपने परिवारजनों तक, आसी पड़ोसियों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर करके, और उन लोगों को भी कथा में आने को निमंत्रित कर सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में कल आप सभी यहां पर समुपस्थित होंगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए प्रेम से सभी आरती का दर्शन करेंगे। आरती प्रसाद लेकर फिर लंगर प्रसाद लेकर ही सब अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल भक्त वत्सल भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, श्रद्धा से ठाकुर जी की आरती का दर्शन करें।